हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौन फूडी। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि 6 अप्रैल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, तो इस पूरा हफ्ता मैं नवरात्रों से रिलेटेड रेसिपीज ही अपलोड करूंगी, जो कि आप इन पूरे नवरात्रि ट्राई कर सकते हैं। तो आज जो पहली रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ उसका नाम है कच्चे केले की टिक्की, जो कि बहुत ही डिलीशियस होती है। आप सब इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 5 केले लिए हैं कच्चे, जिन्हें मैं अभी बॉईल करने के लिए रख दूंगी। इसमें हम डाल देते हैं कुकर के अंदर इसको। पानी इसमें थोड़ा ही लगाइएगा, जब तक ये बन रहा है तब तक हम देखते हैं। मैंने यहाँ लेमन जूस लिया है, काली मिर्च है, ग्रेटेड जिंजर है एंड हरी मिर्च है। दो हरी मिर्च मैंने काटी हैं, आलू हैं उबले हुए, सेंधा नमक है। और मैंने कुट्टू का आटा लिया है, आप चाहे तो सिंघाड़े का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। केले उबल चुके हैं, बहुत ही अच्छे से उबल गए हैं। इसमें मैंने ज़्यादा पानी नहीं लगाया था, नहीं तो पानी बाहर आना शुरू हो जाता है। अब हम इन्हें छील करके रख देते हैं इसमें। आलू और केलों को साथ में आप अच्छे से मैश कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन बिल्कुल अच्छे से आप इसे मैश कर लीजिए। अब इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हम डाल देंगे। सबसे पहले मैं कुट्टू का आटा डाल देती हूँ। अभी ये मैंने नमक डाल दिया है, सेंधा नमक मैं यूज कर रही हूँ, बिकॉज हम व्रत के लिए यूज कर बना रहे हैं इसको। जिंजर एंड हरी मिर्च मैंने यहाँ पे डाल दी है, अदरक और हरी मिर्च, काली मिर्च थोड़ी सी डाल दी है, और ये लेमन जूस, थोड़ा नींबू मैंने स्क्वीज करके इसका जूस निकाला था, थोड़ा सा, एक चम्मच के आसपास। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंड्स। अगर आपके पास आलू उबले हुए पड़े हैं तो केले को उबलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो ये बहुत ही क्विकली बन जाती है। आप जरूर ट्राई कीजिए अपने व्रत के दौरान, और अगर आपका व्रत नहीं भी है तभी भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और तब तो आप नॉर्मल नमक, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अनियंस वगैरह इसमें डाल सकते हैं। अब इसके टिक्की जैसे छोटे छोटे, हम टिक्की के साइज के ये छोटी छोटी लोई बना के इसको टिक्की के साइज का बना देंगे हम ऐसे ही। इससे पहले मैंने हाथों में थोड़ा ऑयल लगा लिया था ताकि ये चिपके नहीं। ऐसे ही सबके आप बना के रख लीजिए। अभी हम इनको नॉन स्टिक पैन मैंने लिया है यहाँ पे, आप कोई सा भी पैन यूज़ कर सकते हो। इसमें मैंने ऑयल डाल लिया है, कोई सा भी ऑयल आप लोग यूज़ कर सकते हो। जब ये तेल गर्म हो जाए तो इसमें सारी टिक्कियाँ आप इस तरीके से डाल दीजिए। इनको हमें दोनों साइड से हमें इनको भूनना है, अच्छे से फ्राई करना है। बहुत ही डिलीशियस बनती है ये, व्रत के दौरान आप इसे जरूर खाइए। अभी दोनों साइड से हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी दोनों साइड से ये तकरीबन फ्राई हो चुकी है और रेडी टू सर्व है। मैं इसे थोड़ी देर और फ्राई कर लेती हूँ। अभी ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, तो आप इसे इस नवरात्रि जरूर ट्राई कीजिए, आपको ये जरूर पसंद आएगी। और आप चाहे तो इसे एज अ स्नैक भी ले सकते हैं। Thanks for watching. Please like, subscribe and share.